हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा। मेरी माँ की रेसिपी से और आज मैं बनाने वाली हूं रामरुच। इसे झारखंड में रामरुच बोलते हैं ये सब्जी को। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं रामरुच। तो ये देखिए, हमने चना दाल लिया है। तो हमने चना दाल 100 ग्राम लिया है ये। उसके बाद हम जीरा तेजपत्ता ले लेंगे फ़ोरन के लिए। हल्दी लिए हैं आवश्यकता अनुसार। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। और हमने लाल मिर्च लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया और ये है गरम मसाला 1/2 चम्मच। और हमने 1 प्याज लिया है जिसे चकूटा काट लिया है। जीरा आदि थोड़ा ज़्यादा पड़ता है दोस्तों इसमें, 5-6 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा गोल के में लिया है। और 1 प्याज लिए हैं, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं पेस्ट। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा बन गया। और ये मसाला का पानी। तो ये देखिए चना दाल है, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। सिर्फ इसको दरदरा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम लाल मिर्च, हल्दी, नमक, स्वाद अनुसार नमक देंगे। लाल मिर्च थोड़ा कम देंगे क्योंकि हमको मसाला में भी लाल मिर्च देंगे, तो इसमें कम हम थोड़ा दे रहे हैं। और हमने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच से 1 चम्मच हमने लहसुन डाला है इसमें, लहसुन का पेस्ट। इसे हम इस तरह से मिला लेंगे पूरा अच्छा से। उसके बाद हमने एक थाली लिया है, थाली में हमने सरसों तेल लगा दिए हैं ये देखिए। और सरसों तेल लगाने के बाद ये हम डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसको भापना है दोस्तों। तो ये देखिए कढ़ाई में हम इसमें रख देते हैं और इसको अच्छा से भाप लेंगे हम। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पर और इसे हम भापेंगे पूरा अच्छा से 5-10 मिनट के लिए। तेज़ आँच पर भापेंगे ये। तो ये देखिए हमारा टाइम हो गया 10 मिनट का। अब ये देखिए हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से हुआ है कि नहीं है। तो ये देखिए चाकू को नोक में नहीं लगा है ये, यानी कि अच्छा से भपा गया है ये। अब हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए पूरा अच्छा से ठंडा हो गया है ये। अब इसे हम चाकू की सहायता से काट लेंगे। इसे आप बर्फी के आकार भी दे सकते हैं या फिर चकूटा आकार दे सकते हैं। तो इसे हम चरखुट के आकार में काट लेंगे। बहुत ही ईजिली कट जा रहा है ये देखिए, एक भी नाखून में नहीं लग रहा है ये। तो इसे ठंडा में ही काटिएगा दोस्तों, क्योंकि गरम गरम काटिएगा तो ये ठीक से कटेगा नहीं। ये देखिए कितना इजीली निकल गया है ये। तो इस तरह करके हम सारा निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितना अच्छा से निकल जा रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा बना है हमारा ये। इसके बाद इसे छानना है दोस्तों। तो ये देखिए हम सरसों का तेल में छान रहे हैं। तो इसे पहले हम तेज आँच में किए थे तेल को, अब गैस को सॉरी। उसके बाद हम इसे मीडियम आँच में इसे छान लेंगे। तो ये दोस्तों छना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, ये पकोड़ा जैसा लगता है खाने में। इसे सॉस के साथ खाइए शाम के नाश्ते में, अगर ये ज़्यादा बन गया है तो इसे भी खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे ये खाने में, पूरा कुरकुरा रहता है ये। तो ये देखिए हमने इस तरह करके सारा छान लिया है ये, बहुत ही कुरकुरा बना है। और वही तेल है दोस्तों जिसमें हमने छाना था, वही तेल में हम जीरा और तेजपत्ता का फ़ौरन दे देंगे। और इसे हल्का चटकने के बाद इसमें हम तुरंत प्याज डाल देंगे। तो हमने 1 प्याज लिया है, बड़ा प्याज है ये, और इसे हमने चकूटा काट लिया है। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। बस इसे थोड़ा सा मेहनत है इसमें, सिर्फ शुरू में मेहनत लगता है, लेकिन अगर बनाइएगा तो आपको बहुत ईजी लगेंगे बनाने में। तो ये देखिए हमने अभी हल्दी डाला है इसमें, हल्दी के साथ हम नमक डाल देंगे। और धनिया हमने लिया है 1 चम्मच, वो डालेंगे। लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे साथ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो भी खाते हैं, तो इसलिए मैं मिर्चा कम डालती हूँ हमेशा। तो इसके बाद हमने ये मसाला डाल दिया है। मसाला में 1/2 लहसुन, गोलकी जीरा और 1 प्याज का पेस्ट हमने बनाया है मसाला में। इसे कम आँच में हम भूनेंगे। तो शुरू में हमने कम आँच रखा था, फिर हमने तेज़ आँच कर दिया है लास्ट में। तो ये देखिए अच्छा से भुना गया है ये हमारा मसाला। मसाला अच्छा भुनाने के बाद इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला दोस्तों लास्ट में डालना चाहिए, क्योंकि इसका सेंट अगर पहले दीजिएगा तो सेंट चला जाता है ये। तो इसे देखिए हमने कम आँच में इसे भून रहे हैं गरम मसाला को। और हमारा गरम मसाला भी हल्का भुना चुका है, ये देखिए तेल अच्छा से निकल गया है इसमें। इसके बाद हम पानी ऐड कर दिए हैं। तो इसे थोड़ा पानी को दोस्तों पतला ही रखिएगा इसका रसा,
क्योंकि हम इसमें बेसन का ही पकौड़ा डालना है। इसमें बेसन का पकौड़ा डालने से दोस्तों पानी पूरा टान लेता है वो, तो इसे थोड़ा पतला ही रखिएगा इसका रस्सा। तो ये देखिए पानी खोल गया है ये हमारा, तो पानी में अच्छा से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद इसमें हम धनिया पत्ता डाल दिए हैं, तो अगर आपको धनिया पत्ता पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे उबाल वाला पानी में ही हम रस्सा में ही हम पकौड़ा डाल दे रहे हैं यानी कि रामरुच, और इसे बस थोड़ा सा ही रखेंगे सिर्फ एक मिनट के लिए, डालते समय जो टाइम लगा बस उतना ही। उसके बाद इसे हम अच्छा से ढक देंगे। ये देखिए हमने सारा डाल दिया है और सारा डाल करके ढक देंगे, ढक करके गैस ऑफ कर देंगे ताकि ये अच्छा से पूरा रस पी ले। और रस पीने के बाद दोस्तों गाढ़ा हो जाता है ये। ये देखिए हमारा आधा रस पिया है क्योंकि हम ये देखिए धुआं निकल रहा है, हम सिर्फ इसे 2-3 मिनट के लिए ही रखे हैं, तो जितना देर तक रखिएगा उतना ही रस ये गाढ़ा हो जाएगा ये। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारा रामरुच बन के तैयार हो गया है, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। रसा थोड़ा सा पतला है दोस्तों क्योंकि ये गर्म गर्म है ना, इसलिए पतला पतला है। ये थोड़ा ठंडा होगा तो रस पूरा गाढ़ा हो जाएगा और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो कुछ नया बनाइए दोस्तों, सबको पसंद आता है नया बना हुआ रहता है वो, तो जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों रामरुच। तो दोस्तों आज मैं टिप्स में बताने वाली हूँ, अगर दोस्तों आप घर में ऑल आउट यूज करते हैं या फिर कोई भी मच्छर मारने का या फिर भगाने का यूज करते हैं तो उसकी जगह में आप ये यूज कीजिए। तो इसमें हमने लिया है, ये है नीम का पत्ता, सरसों का तेल और आधी लहसुन लिए हैं। इसको हमने अच्छा से गर्म कर लिया है, पूरा उबाल आने तक पका लिया है। उसके बाद हम छान लिए हैं और छान करके ये ऑल आउट में यूज कर रहे हैं। और जो बचा हुआ छना हुआ जो रहता है उसका हमने दिया में डाल करके इसे जलाते हैं। इसे जलाने से दोस्तों एकदम मच्छर नहीं रहता, मैं सच बता रही हूँ, और ये बहुत कोई भी नुकसान भी नहीं देता है, ये बहुत अच्छा है ये। अगर आप मच्छर भगाना चाहते हैं तो ये यूज कीजिएगा, इससे मच्छर तुरंत भाग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा टिप्स या वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिखा सकूँ, टिप्स दिखा सकूँ। बाय।